जनसुनवाई में पहुंचे बाढ़ पीड़ित तो बोले हमें ना तो राशन मिला ना ही मुआवजा। पटवारी सचिवों पर लगाए सर्वे में गड़बड़ी के आरोप। महिलाएं बोली मंत्री साहब कह गए थे 10-10 पसेरी अनाज मिलेगा लेकिन अभी तक एक दाना नहीं मिला। शिवपुरी जिले के नरवर बेल्ट के गांवों में बाढ़ का पानी तो उतर आया है मगर बाढ़ से मिले जख्म अभी भी मौजूद हैं। ग्रामीणों की दुर्दशा चीख चीख कर बाढ़ से हुई तबाही को बता रही है। बाढ़ पीड़ितों के गांव में सर्वे के नाम पर महज खानापूर्ति चल रही है। धरातल पर कुछ भी नहीं होता दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रामीणों को शासन के द्वारा मुहैया कराए जाने वाला ना तो राशन मिला और ना ही घर गिरने के चलते सरकार के द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि मिली। यह हालात उत्तर क्षेत्र के गांव की है जहां पिछले दिनों सीएम शिवराज का उड़न खटोला उतरा था। मंच से उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द में शामिल होने के दावे किए थे, हर संभव मदद पहुंचाने का ऐलान किया था। यहां सीएम शिवराज ने कुछ लोगों को वन क्लिक से राशि भेजी थी मगर वास्तविक पीड़ित अभी भी सीएम राहत का इंतजार कर रहे हैं। क्या समस्या भाई तुम्हारी? समस्या ये है कि गांव में बाढ़ आ चुकी है और फिर भी कर्मचारी ने जिले के दे रही कि बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। हमारे गांव में आते में बाढ़ आ गई और थोड़े गांव से 2-10 घर बचे थे। कौन सा गांव है आपका? पीपल खाड़ी, ग्राम पीपल खाड़ी। और जी कह गए थे मंत्री साहब के 10-10 पसी का कट्टा मिलेगा और एक एक तिरपाल मिलेगी और जगह भी मिलेगी। अबे तक कोई हमें ना खाने की व्यवस्था सरकारी और ना हमें कोई तिरपाल की व्यवस्था ना हमें आटे की व्यवस्था। आम आदमी हमारी पूरी सहायता कर रहे हैं और सरकारी सहायता बिल्कुल कोई सहायता नहीं हो रही ना। और जगह को है ना फॉरेस्ट वाले परेशान कर रहे हैं तो कलेक्टर साहब से हमारा ये निवेदन है अगर ये भी नहीं सुनेंगे तो मैं भोपाल तक जाऊँगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम? नाम शीला नाम है। कितनी महिलाएं आई हैं आपके साथ? 40 महिला आई हैं। 40 परिवारों की मकान गिरे हैं क्या? मकान भी गिर गए और तनख्वाह खचू भी नहीं मिला और मकान भी नहीं गिरे तो हमें बाढ़ आ गई तो वो हमारे जान लिख तो मैं दे रही बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं है। वो शहरी परिवार है, कोई पैसा वाला भी ना है, शहरी परिवार है ना। और इनके मकान भी गिर गए, घर भी गिर गए, इतने कोई भी राय नहीं मिली। सचिव और पटवारी नहीं आए तुम्हारे पास? वो हमारे पास तो कोई भी नहीं आया। हमको नहीं दाना, हमें ना राशन ना पानी ना तिरपाल ना कछु भी नहीं दाना। हमारे पास तो कोई भी नहीं आया है। और जंगल में अवे हनुमान पहाड़िया के पास में अवे तुम देख सकते हैं बेमन झोंपड़ी बनी है। अगर हमारी समस्या हल नहीं होगी तो हम भोपाल भी जाएंगे, हमें कोई डर नहीं है।